Hello friends, I am Ajinder Rana and today's topic is minor and cofactor. कि हम एक मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे देखेंगे. तो जरा देखना शुरू करते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है A. There is a A matrix. मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं यहां पर. एंट्री जो है 1 4 3 ये फर्स्ट कॉलम, 3 minus 5 5 minus 2 6 2. This is my matrix. और इस मैट्रिक्स को 3 by 3 का हम ऑर्डर में लेके चल रहे हैं. और मान लीजिए मैं इसके माइनर निकालना चाहता हूं, तो माइनर के लिए मैं डिनोट करता हूं कैपिटल M 1 1. लुक एट वेरी केयरफुली. जब 1 1 की बात कर रहे हैं तो दिस इज द एलिमेंट. इस एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालना है. इस एलिमेंट से कोफैक्टर निकालने के लिए हम उसी एलिमेंट का कॉलम और उसी एलिमेंट की रो जो है उसे हटा देते हैं ऐसे. ठीक है जी. तो नीचे वाला ये पोर्शन बचता है मेरे पास -5 562. मैं आपको फिर से बार बता दूं, जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा. वो रो और वही कॉलम. कौन सा रो? जिसमें ये वन आता है, दिस वन. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बचा. फिर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दिस माइनस दिस, इनका मल्टीप्लिकेशन -10. और जब हम ये नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन. मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं अगर तो मैं कह रहा हूं -5 into 2 -5 into 6. So it is -10 -30, it is -40. ठीक है. फिर हम बात करेंगे M12 की. इसके लिए तो 3 का कॉलम, 3 की रो, तो we have 4 3 and 6 2. We have 4 3 6 2. It is 8 minus 18. Got it? You cross my negative sign ke saath. Minus of 10. Then here, M13. M13, minus 2 wala element. Minus 2 ka column, minus 2 ki row ko chhod kar. Ye block bachega. Which is 4, 3, minus 5 and 5. Phir se cross 20 minus, minus 15. Because this is minus sign. तो माइनस 15 है, एक नेगेटिव हमारा, तो इट इज 35. ये वो फर्स्ट रो के लिए माइनस, हमें हर एलिमेंट के लिए निकालने होते हैं. सो M21 सेकंड के लिए, ये कॉलम सेकंड रो, तो 3 5 और -2 2, 3 5 -2 2, एंड इट इज 6 -10, एक नेगेटिव हमारा, तो प्लस 10, इट इज 16. देन M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, हियर 1 3 -2 and 2, इट इज 2 1 2, दो नेगेटिव साइन मिलेंगे एनकाउंटर होंगे, तो प्लस 6, इट इज 8. एंड M23 1 3 and 3 5, 2 3 में सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, 1 3 and 3 5. As you can see clearly, 5, 3 3 is 9, -9, it is -4, it is -4. And जो लास्ट आएगी हमारे पास, मैं उस लास्ट के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि वो क्या क्या आएंगे. M31 डायरेक्टली करेंगे, 18 माइनस माइनस प्लस, एक हमारा माइनस माइनस, 18 माइनस 10 इज 8. एंड M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 6 1 6, 4 2 8, देयर इज माइनस साइन, एक क्रॉस में हम अभी से लगाते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो 6 plus 8 14, it is 14. And the last one is M33 इसके लिए -5 -12, it is actually +12 but negative sign होता है, तो -5 और -12,
and it is minus of 17. So हमने देखा minus m11 minus 40, m12 minus 10, m13 35, 21, 22, 23, 31, 32, 33. These are the minus. और अगर मुझे cofactor निकालने हैं, I want to find the cofactors के cofactors कैसे निकाले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको cofactors निकाल के दिखा रहा हूँ कि आप cofactors को कैसे find out कर सकते हैं। cofactor के लिए देखेंगे। जितने भी आपने minor find out किए, जितने minor find out किए हैं, उन्हीं को ऐसे लिखते हैं। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. ठीक है? This is the box for the cofactor. ये cofactor के लिए box बना रहे हैं. So M11 is minus 40. So this is minus 40. M12 is minus 10. I said it is 10. Why it is so? यहाँ पर जो ये 11 है, अगर इनका sum even आता है, तो जो minor की values हैं, वो as such रहती हैं. और अगर इनका sum odd होता है, तो you have to change the sign. आपको साइन चेंज करना है। For example, जैसे यहाँ 1, 2 है, 1 plus 2 is 3, answer is minus 10 in the minor, but for cofactor, it will become positive of 10. Negative sign remove हो जाएगा। हम इसका साइन चेंज करना। 1, 3 is 35, but 1, 3 का सम 4 even होता है, तो it is simply 35. 2, 1 odd है, तो जो 16 है, it will be minus 16. 2, 2 even है, 8 as such, 2, 3 odd है, minus 4 का, plus 4, sign change करेंगे, odd है, 3, 1 even है, 8 as such, 3, 2 odd है, sign change, 3, 3 minus 17 even है, minus 17 as such. So हमने देखा कि जो minor है, उस माइनर में हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर्स के अंदर सेम वैल्यूज होती हैं जो माइनर की हैं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि यहां 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ये जो वैल्यूज हैं इनके डिजिट्स का सम करना है, और अगर वो सम इवन है तो वैल्यू माइनर वाली ऐसा आ जाएगी, बट अगर सम ऑड है, सम अगर ऑड है तो यू जस्ट नीड टू चेंज द साइन, नेगेटिव का 10 जैसे यहां नेगेटिव 10 था वो प्लस का 10 हो गया, ऑड में ऑड देखें 21, 16 था, minus 16 हो गया, तो जो odd है, उनके signs change हो जाते हैं, मैं यहीं पर आपको ये बता देता हूँ कि how to find adjoint, कि adjoint of the matrix कैसे find out करते हैं, it is very easy, बहुत छोटी सी चीज है, तो देखेंगे ध्यान से, adjoint of A, this is the symbol, adjoint of A को कैसे लिखते हैं, इसमें एक matrix बनेगी cofactor की, minus 40, minus 16, A, first column, second, 10, 8, minus 14, 35, 4, minus 17, this is 7, so this is the matrix, जो cofactor से बनी थी, इस matrix का transpose, इस matrix का transpose, that gives you the adjoint, so transpose करके क्या बनेगा, minus 40, 10, 35, minus 16, 8, 4, 8, minus 14, minus 17. So this is the adjoint. तो इस वीडियो में हमने देखा कि minor कैसे find out करते हैं, इस वीडियो में हमने देखा cofactors कैसे find out करते हैं, और ये relation देखा कि जो minor हैं, उनके अंदर ये जो 1, 1, 1, 2 हैं, इनमें जिनका भी sum odd आएगा, minus में उनका sign change करके जब लिखे गए, तो वो cofactor बन जाते हैं। इन कोफैक्टर्स को मैंने यहां पुट अप किया, एक मैट्रिक्स बनाई, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो यू विल गेट अ एडजॉइंट, तो देन यू विल गेट, तो इस वीडियो में हमने माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने सीखे, थैंक्स फॉर वाचिंग।
do share, like and subscribe.